अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि हम लोग जब लबन में शिफ्ट हुए हैं, उस घर में वो 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें ना मसरी कौम बहुत ज़्यादा रहती थी। और वो जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन्हें पता है कि वो लोग बहुत गंदे रहते हैं। एक तो वो सस्ते घर लेके रहते हैं, ऑब्वियसली उनकी कोई इतनी वो हाई फाई किस्म की लिविंग नहीं होती है। तो और ना बहुत गंदा रहते हैं, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंदालते हैं। और उस बिल्डिंग में इसी वजह से चूहे ही चूहे और कॉकरोचेज ही कॉकरोचेज थे। देखने में नजर नहीं आते थे, ऐसा नहीं है कि हर तरफ नजर आ रहे हैं और फिर भी हमने ले लिया। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे कम थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंदी लिविंग रखना चाह रहे थे या हम गंदी लिविंग में भी फाइन थे। हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम पैसों में मिल जाए लेकिन साफ सुथरा घर मिल जाए। तो अब मसला ये था कि मैं पाकिस्तान में थी तो ये चीजें शहजाद उस वक्त नहीं देख सके, शहजाद को आइडिया नहीं हुआ। मैं यहां पर होती तो मैं देख लेती। तो शहजाद ने घर शिफ्ट कर लिया, उनको उन्होंने पिक्चर्स वगैरह मुझे भेजी, मुझे भी ठीक लगा, अच्छा लगा। तो घर देखने में साफ सुथरा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोग शिफ्ट हो गए, जो थोड़ा बहुत सामान था वो शहजाद ने शिफ्ट करवा लिया, घर को साफ सूफ कर लिया और जनाब रहना शुरू कर दिया। और शहजाद के वहाँ शिफ्ट होने के पता नहीं 1-2 हफ्तों बाद या महीने बाद हम पाकिस्तान से आ गए थे। और जब हम आ गए थे ना, तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमारे घर में जर्मन कॉकरोचेज का ढेर था। अब वो आया किस तरह से था, क्योंकि जब हमने घर लिया था शहजाद ने तो रेंट का, तो बिल्कुल खाली था। तो कोई कॉकरोचेज खाली घर में तो नहीं ढेरों ढेर रह रहे होते। वो किस तरह से आए थे कि उस किचन में कैबिनेट्स नहीं थी? यहाँ सऊदी अरब में जिन लोगों को नहीं आइडिया, मुझे भी बल्कि क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि आपने कैबिनेट्स खुद लगवाई हैं तो अब आप किसी और घर में जाएंगी तो इन कैबिनेट्स को यहीं छोड़ जाएंगी? तो नहीं, हम साथ लेके जाएंगे और हम घर ही कोई ऐसा ढूंढेंगे अगर हमें लेना पड़ा कि जिसके किचन में कैबिनेट्स नहीं है, ताकि हम अपनी कैबिनेट्स यूज कर सकें। तो वहां पे हमारे पास पहले कैबिनेट्स नहीं होती, जिन घरों में भी 1-2 में हम रहे थे सस्ते सस्ते वहां लगी हुई थी। तो यहाँ के लिए ना शहजाद ने सेकंड हैंड कैबिनेट्स ले ली। अब उन कैबिनेट्स में कॉकरोचेस थे, जो कि जाहिर है उस वक्त तो आइडिया नहीं होता क्योंकि वो छुपे होते हैं यहाँ वहां, छोटी छोटी से जो कैबिनेट्स के जो मेटल की कवरिंग्स होती हैं उनमें छुपे होते हैं, तो जर्मन कॉकरोचेस जो छोटे वाले हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि जनाब किचन में तो हर 2 मिनट बाद जाओ तो कोई ना कोई शेल्फ पे कॉकरोच चल रहा है, कोई ना कोई कैबिनेट खोलो उसमें से कॉकरोच पहले नीचे गिरा है। तो मेरी तो जान पे बन गई कि शहजाद ये तो सारे कपड़ों में घुस जाएंगे और ये तो हर चीज़ में घुस जाएंगे, हम क्या करें। और ऊपर से वही बात है कि जब आप लिविंग किसी ऐसे इलाके में रहते हो ना कि जहाँ पर बहुत कंजस्टेड लोग रहते हैं, या मतलब कम्यूनिटी रहती है, या वो स्लम्स वाले एरियाज होते हैं, या फिर वहाँ पर जो बिल्डिंग में लोग हों वो गंदे रहते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर फिर अवॉइड नहीं कर सकते। और ऊपर से हमने कैबिनेट्स जहां से ये हराज से लेके आए थे और बहुत पुरानी कैबिनेट्स थी इसलिए हमें सस्ती मिल गई थी, तो वो फिर कॉकरोचेज उनके साथ आ गए, पता नहीं कब की वो वहां पड़ी हुई थी। अच्छा खैर, अब हुआ क्या कि कॉकरोचेज तो चलो ठीक है, मैं उसे डील करना शुरू हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि जान कैसे छूटी उनसे। और लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस घर में चूहे भी हैं और उस घर में बड़े कॉकरोचेस। तो मुझे पता चल गया, घर के अंदर अभी नहीं आए थे वो बड़े कॉकरोचेस, लेकिन बाहर बिल्डिंग में, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे घर था तो बाहर फिरते हुए नजर आते थे। तो बड़ा हमें डर लगता था कि अब ये बड़े कॉकरोचेज भी होने हैं हमारे घर में, छोटे कॉकरोचेज भी होने हैं, तो क्या कसर क्या रह गई अब। अच्छा, अब जो कसर रह गई थी वो भी एक दिन पूरी होगी। हुआ क्या कि एक दिन रात में मैं और शहजाद बैठ के, उस वक्त सिर्फ तिहामी होता था, तिहामी 2-3 साल का था, तो मैं और शहजाद रात में बैठ के मूवी देख रहे हैं। हम जमीन पर बैठे थे क्योंकि हमारे पास सोफाज वगैरह नहीं थे, और लेकिन टीवी शीवी केबल इस तरह की जमा कर करके ना हमने पैसे ऐसी चीजें ले ली हुई थी, और इंटरनेट भी था। तो हम लोग जमीन पे बैठे हुए थे एक कारपेट पे, रग पे, और बैठे मूवी देख रहे हैं। तो एकदम हमारी इस साइड पे, जैसे मैं भी बैठी हूँ, मेरी राइट साइड पे दरवाजा था और मैं यहां बैठी हूँ, यहां शहजाद बैठे हैं और सामने टीवी है। तो इस साइड से एकदम से ऐसे लगा कि दरवाजे के सामने से ना कोई बिल्ली आई है और आके रुक के हमें देख रही है। इतना लंबा साइज था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतना लंबा चूहा था वो जिसकी कोई हद नहीं है। तो हमने एकदम ऐसे देखा कि ये क्या है, तो वो हमें देख के वापस भाग गया। अब वो लंबा नहीं होता चूहा, वो चूहा गोल ही होता है, जब वो श्रिंक होता है तो वैसे राउंड सा हो जाता है, जब वो स्ट्रेच होता है तो इतना लंबा हो जाता है। तो ये हमें तब पता चला। अच्छा, तो वो ना भाग गया तो हमें ऐसे लगा कि घर के अंदर बिल्ली आई हुई है। शहजाद ने जनाब वेट ना किया 1 सेकंड, शहजाद भी उठ के भागे उसके पीछे। जब वो भागे हैं तो शहजाद ने देखा है कि वो किचन में भाग रहा है। अब किचन में शहजाद गए हैं, एक एक कैबिनेट खोल के देख लिया, इधर उधर कोनों में, हमारे घर में इतना कुछ था ही नहीं कि जहां पे वो कुछ छुपता, तो लेकिन वो हमें नजर नहीं आया। तो ढूंढ ढूंढ के हम थक गए, नहीं नजर आया। फिर थोड़ी देर बाद जनाब क्या हुआ है कि ना तिहामी को बेडरूम में हमने सुलाया हुआ था, तो मेरी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए थे, तो वो बॉटल गिरने की आवाज़ आई। और हम लोग, एक दो ही चीज़ें थी हमारे पास, हम लोग भागे भागे गए कि ये क्या गिरा है, तो वहां पे चूहा चढ़ के बैठा हुआ और वो चीज़ों को छेड़ा।
दो पाँव से नीचे रखे वो, दो पाँव से वो यूं यूं चीजों को छेड़ा था। ओ हमारी तो ऐसे जैसे हार्ट अटैक हमें होने वाला है। शहजाद ने तो पता नहीं, मुझे नहीं याद उस वक्त शहजाद ने कैसे छलांगे लगा लगू के उसको बाहर निकाला। उसने हमें देखा, उसने भाग के, और उसको रास्ता आता था पूरे घर का। मजे की बात यह है कि वो उस कमरे में था तो भी वो भाग के किचन में गया था, वो इस कमरे में था तो भी वो भाग के किचन में चला गया। अच्छा तो आज तक भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि जिस वक्त हम किचन में उसके पीछे पीछे भागे हैं, शायद अंधेरा था तो निकल के तो वो बेडरूम में आ गया होगा, क्या पता। बहरहाल तो ना वो फिर दोबारा शहजाद ने देखा किचन में जाते, वो शहजाद ने ना किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और सारी रात हमें टेंशन के मारी नींद ना आई। मैंने वो ड्रॉर्स वगैरह उनको साफ़ किया, ऊपर से ड्रेसिंग टेबल जो है उसको साफ़ किया, और ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर खोल के देखा तो उसको अंदर सारा चूहों ने खाया हुआ। और ये वो चीज़ थी जो हमारी ड्रेसिंग टेबल और बेड सेट था ना, वो हमने सबसे पहले ज़िंदगी में सऊदी अरब में आके ना, क्योंकि हमारे बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और शहजाद ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ के तो बहुत ही सस्ता सा लेकिन हराज से ब्रांड न्यू बेड सेट लिया था। उसके साथ कबर्ड भी थी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल भी थी और उसके साथ साइड टेबल्स थी और बेड था, तो वो ब्रांड न्यू हमने लिया था। और लेकिन उसको मटीरियल को देख के, उसकी क्वालिटी को देख के आप इजीली बता सकते थे कि ये शायद साल दो से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में इतना लेविश लाइफस्टाइल था और यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो बुरा हाल हो गया। तो वो एक लॉन्ग स्टोरी है, किसी और दिन फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। एनीवेज तो वो क्या हुआ कि वो सारा उन्होंने खाया, बंदे से ड्रॉर्स खाए हुए, मैं तो बैठ के रोना शुरू हो गया, हमारा नया बेड सेट बर्बाद हो गया, वो मेरे उन चीज़ों को हाथ लगाने का दिल ना करे। खैर उनको हमने जो किसी तरह से वो स्प्रे वगैरह कर कुर के धूपें लगवाई अगले दिन सारा, वो बाद के अलावा उसकी बातें हैं कि जर्म फ्री करने के लिए जो वहम हो जाता है। तो लेकिन हमने क्या किया कि शहजाद ने रात में बैठ के लैपटॉप पे देखते रहे, ढूंढते रहे कि किस तरह पेस्ट कंट्रोल मिले, तो दो चार हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स मिली जो यहाँ पे एजेंसीज थी जो पेस्ट कंट्रोलिंग करते थे। तो रात में हम फ़ोन करते रहे, किसी ने नहीं उठाया, ऑब्वियसली कौन उठाता। तो अगले दिन फिर हमने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी हम आपके घर आएंगे और हम आके पेस्ट कंट्रोल करेंगे। शहजाद ने बताया कॉकरोचेज भी हैं और चूहे आए हुए हमारे घर में। तो उन्होंने फिर बेसिकली क्या किया कि उन्होंने हमारे से 300-400 लिए थे, आई थिंक या 200-300 मुझे याद नहीं है, ये है तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने हमसे ये चार्जेस लिए और उन्होंने सारा घर जो है ना चेक किया कि कहाँ कहाँ पे कोई सुराख तो नहीं है, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते। तो एक तो उन्होंने हमें बताया कि वो हमारे दरवाजे के नीचे से आते हैं और बाहर के दरवाजे के नीचे से चूहे अंदर आते हैं, और हम इतना हैरान हुए कि इतने से दरवाजे में से कैसे आते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि ये बहुत फ्लेक्सीबल होते हैं और ये श्रिंक होकर ऐसे नीचे से स्लिप होकर आ जाते हैं। तो एक तो वो जगह थी, उसको हमने बंद किया, वहाँ पे हमने मार्बल की एक स्लैब जो है ना वो लगा दी पक्की पक्की, एक तो उसको हमने बंद किया। दूसरे उसके अलावा हमने क्या किया कि उसने बताया कि ये आपके सिंक के गटर में से आते हैं। अब जो हमारा सिंक था ना, ये कैबिनेट्स क्योंकि सस्ती वाली थी तो जैसे आप मेरी कैबिनेट्स देखे ना तो बिल्कुल ज़मीन के साथ फिक्स्ड हैं, वो कैबिनेट्स ऐसे हैं कि उसके उनके ना ऐसे लेग्स होती थी छोटी छोटी इतनी इतनी, तो नीचे सारी जगह खाली होती थी और गटर का पाइप बस ऐसे अंदर डला होता है, तो वो उसके अंदर से वो निकल आता था और अंदर चला जाता था। और हम हैरान हैं, मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन इतना सा वो गटर था और उसके अंदर हाफ से ज़्यादा तो पाइप था, ऊपर से सिंक का आता था नीचे, लेकिन वो उसमें से भी स्लिप होकर आ जाता था। और इतना बड़ा चूहा था वो, और ब्लैक कलर का इतना गंदा डिस्गस्टिंग अगली चूहा था वो। अच्छा खैर तो उन्होंने क्या किया कि तब हमें समझ आई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो उन्होंने वो जो होती है माउस ट्रैप होता है वो लेके रखा, और एक वो जो छोटे वाले माउस ट्रैप्स होते हैं जिसपे वो लगा देते हैं कोई खाना वगैरह, वो भी उन्होंने रखा, और वो जो केज होते हैं वो भी उन्होंने एक दो जगह जगह रखे, वो सारा उनके पैकेज में इंक्लूडेड था। एक और उन्होंने चीज़ क्या है रखी जगह जगह, रैट ग्लू। वो रैट ग्लू क्या थी कि पेपर था और उसके ऊपर एक ग्लू लगी होती थी और उसको जगह जगह ऐसी जगह रख दें कि जहाँ पे कोई बड़ा या बच्चा किसी का हाथ पाँव ना आ जाए, कि वो चिमट ना जाए। तो वो ये कि रैट्स उसके ऊपर आ जाते हैं और चिमट जाते हैं जब वो इधर उधर फिर रहे हो ना, तो वहाँ से फिर वो उतर नहीं सकते, तो चूंकि वो पूरा पेपर होता है फिर वो कहीं पर छुप भी नहीं सकते। और उसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी ना गोलियाँ फेंकी कि जिनको वो खा के तो मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ना आपके एक हफ्ते बाद या अब तक शायद 3-4 दिन बाद चक्कर दोबारा लगाएंगे, और जब वो दोबारा आए तो गोलियां तो उन्होंने चूहों ने हाथ ही नहीं लगाया था, उन्होंने कैबिनेट्स के नीचे और अंदर इधर उधर जहाँ जहाँ उन्हें डाउट था उन्होंने वहां पे किया। उसके अलावा हाँ उन्होंने सारे घर में ना स्प्रे किया था कॉकरोचेज को मारने वाला, और वो वाला स्प्रे किया था कि उन्होंने कहा था कि और कोई कीड़ा आपके घर में बाहर से अंदर नहीं आएंगे। तो ये सच था क्योंकि बाहर से और कीड़े हमारे घर नहीं आते थे, लेकिन जो कॉकरोचेज जर्मन कॉकरोचेज थे वो हमारी कैबिनेट्स में थे और वो कुछ मर गए थे, और मेरा ख्याल है जो उनके अंडे वगैरह उन्होंने कोई ले किए होंगे जो नजर थोड़ी आते हैं। तो कुछ अरसे के बाद हमारे घर में छोटे छोटे कॉकरोचेस कैबिनेट्स के इर्द-गिर्द फिर फिरने लगे थे, तो हमें आइडिया होगा कि ये अंडों में से निकल आए हैं। तो क्या स्टोरी है मेरी, ये हॉरर स्टोरी है।
तो खैर, तो वो इस तरह से एक दो रैट्स हमने हमारे इस तरह से मरे हैं, और एक दो रैट्स ग्लू के ऊपर चिपक के मर गए, और चिपक गए। फिर शहजाद उनको जाके बाहर फेंक के आए, और केज में कोई नहीं आया था, केज में एक आया था, और माउस ट्रैप में कोई नहीं आया था। इस तरह से करके ना, मतलब रैट्स जो है ना, वो काफ़ी स्मार्ट थे, और काफ़ी उनको ना समझें थी, क्योंकि लोगों के घरों में वो आते जाते थे, उनको पता था कि ये ट्रैप्स हैं। बहरहाल, तो वो फिर शहजाद ने एक बंदा बुलवा के, तो गटर के ऊपर एक नेटिंग जो है ना, वो मेटल की पूरी अच्छी तरह से फिक्स करवा दी, और उसके बाद हमारे घर में कोई चूहा नहीं आया। अच्छा, अब आते हैं कॉकरोचेज़ की तरफ, के कॉकरोचेज़ से मैंने कैसे जान छुड़ाई थी। कॉकरोचेज से जान छुड़ाने का एक ही तरीका होता है कि घर में एक्स्ट्रा सफाई रखें। मतलब अगर आपको देखने में अपना किचन क्लीन नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट इनफ। कॉकरोचेज को इतना सा कोई एक ज़र्रा भी आटे का मिल जाएगा, वो उसको भी खाने के लिए बाहर निकल आएंगे, जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा होगा। तो मेरा काम ये होता था कि दिन में चार चार पाँच पाँच दफ़ा मैं डेटॉल का स्प्रे करके मैं कैबिनेट को साफ करती थी। फिर तिहामी छोटा था, जैसे अभी मिशी का आपने देखा ना, मिशी इधर उधर लेके चीज़ें खाता हुआ फिरता है, और मैं सफाई कर देती हूँ कि यहाँ पर कॉकरोचेज नहीं है। तो वहाँ पे मैं तिहामी को यहाँ वहाँ बैठने नहीं देती थी, एक जगह बिठा के उसको मैं खिलाती थी, और फिर उसके बाद वहाँ से मैं उसे उठा लेती थी। तो इस तरह कर कर के ना, तो बेसिकली आपने फ्लोर पे सारी सफाई रखनी है, आपने कैबिनेट्स में सारी सफाई रखनी है। बार बार आपने जो हफ्ते में एक बार कैबिनेट्स में से सारे बर्तन उठा के शेल्फ पे रख देने, और अंदर आपने अच्छी तरह दबा के सारा कॉकरोच किलर स्प्रे करना है। तो ये इस तरह कर करके कॉकरोचेज खत्म होते हैं। बाकी फिर यह है कि जब हमने उस घर से शिफ्ट होना था, तो एक तो हमने अपने एक्स्ट्रा पैसे जमा किए हुए थे कि हमने ये कैबिनेट साथ नहीं लेके जानी, कि हमने बेच देनी है और हमने न्यू कैबिनेट्स लेनी है। और उस वक्त तक फिर हमारी कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई हुई थी, और हम फाइनेंसिस हमारे अच्छी जॉब इनको मिल गई हुई थी, और हम कंडीशन हमारी बेटर हो चुकी हुई थी। तो फिर हम लोग जो है वो उस घर में आए जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और वो उस किचन की जो रियाद की लबन के घर की जो कैबिनेट्स हैं, वो ब्रांड न्यू कैबिनेट्स थी। तो वो जो ब्रांड न्यू होती हैं, उनमें कॉकरोचेज नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने उनके अंदर भी स्प्रे करके और सारा वेट किया था। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर 2 दिन बाद शिफ्ट हुए थे, ताकि इंश्योर कर लें कि वहाँ पर कॉकरोचेज जो भी हैं वो मर मुर चुके हों। तो इस तरह से करके नहीं, बेसिकली आपको हर वक्त विजिलेंट रहना है कि कुछ भी नीचे ना गिरे। अगर आप कहें कि मैं बहुत सफाई रखती हूँ और फिर भी कॉकरोचेज रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सफाई नहीं रख रहे हैं, मैं ये कहने का मतलब भी नहीं है। लेकिन हमें जो नहीं भी नजर आ रहा ना, कॉकरोचेज के लिए वो ट्रीट होती है, वो फीस्ट होती है। तो आपको रोजाना ही डेटॉल वाला जो है वो नीचे मॉप लगाना है, रोजाना चाहे आप 2 दफा लगाएं। जितनी दफा आप खाना बना रहे हैं ना किचन में, रोटी छोटी बनाइए, आपको उतनी दफा ही लगाना है। उतनी शेल्फ तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन आपको वो स्प्रे के साथ क्लीन करनी है, और आपको कैबिनेट्स में एवरी वीक, ताकि जो भी कोई उन्होंने अंडे वगैरह को छुप छुप के दिए हों, तो हर चीज मरती जाए वहां से। तो इस तरह कर करके 1 से 2 महीने लगते हैं, और अगर आप रिलीजियसली इस चीज को फॉलो करें तो कॉकरोचेज मर जाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर हम जाते थे, तो उसके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज थे। और हालांकि ये नहीं था, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था, उनका लाइफस्टाइल बेसिकली गंदा रहने वाला था, कि वो परवाह नहीं करते थे। उनके तो बाथरूम में जाएं तो कमोड पे पहले कॉकरोच बैठा होता है, सोफे पे बैठने लगे तो कॉकरोच बैठा होता है। और हम उस वक्त रियाद के घर में शिफ्ट हो चुके हुए थे, मुश्किल से हमने कॉकरोचेज से जान छुड़ाई थी, और उस फैमिली से हमारे टर्म्स बन गए। तो मैं अक्सर शहजाद से हंसती थी, मैं कहती थी कि अब उसने आना है, मैं नाम नहीं उसका लूंगी, लेकिन मैं कहती थी कि अब उसने आना है ना मेरे घर में, तो पहले मैंने उसे कहना है कि बच्चे सारे अपने जूते चेक कराओ, अपने कपड़े चेक कराओ, कॉकरोच ना हमारे घर में है। और मैंने अपनी फ्रेंड का बैग चेक करना, उसके बैग में तो कॉकरोच नहीं है। आप यकीन करें, उनके घर में इतने ज्यादा कॉकरोच थे कि उसने मुझे अपने घर डिनर पे बुलाया, अफ्तारी पे। और हम लोगों का ये होता था कि हम लोग जो भी फैमिली जानने वाली होती है एक दूसरे घरों में जाते हैं अफ्तारी वगैरह के लिए, तो लेडीज किचन में इकट्ठी हो जाती है, हेल्प एक दूसरे करा दें। तो मैं भी उसके किचन में चली गई हेल्प कराने के लिए, और जब पहली बार उसने मुझे मतलब यानी डिनर के लिए इनवाइट किया, तो उससे पहले तो आते जाते रहना, और चलो स्नैक्स वगैरह चाय होगी, ठीक है, किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओफ, उस दिन मैं किचन में गई तो उसने बर्तनों का इतना ढेर इकट्ठा किया हुआ था, और इकट्ठा वो किए जा रही थी, और खाना वगैरह की तरफ उसका फोकस था सारा, और उन बर्तनों के ऊपर उसके सामने सामने कॉकरोचेस फिर रहे थे। और मुझे देख के मेरा दिल इतना ख़राब हुआ, आप सोच नहीं सकते कि मैंने वहाँ पे वो अफ्तारी कैसे की थी। इसलिए कि मेरे घर में भी कॉकरोचेज थे, लेकिन मैं कभी कोई बर्तन पड़ा नहीं रहने देती थी, मैं किसी वक्त भी कोई जो है वो फालतू चीज़ जो मतलब, और सफाई रखती थी ना, तो कॉकरोचेज शाये होते हैं, बेसिकली क्रीचर ना बहुत शाये है, इनमें ये हिम्मत नहीं होती है कि ये आपके सामने निकल के इधर उधर रैंडम यूं यूं फिरते रहे। उसके तो कॉकरोचेज भी उसके पेट्स बन चुके हुए थे। खैर, लेकिन यह कि हाँ, फिर भी घिन आती रहती थी कि हमारी कैबिनेट्स में कॉकरोचेज हैं, और वो जो है वो रात को बर्तनों पे चढ़ते होंगे और ये वो। तो मैं जितनी दफा भी बर्तन निकालती थी, उसमें से मैं उनको पहले वॉश करती थी और कपड़े से ड्राई करके, और फिर मैं उनको यूज करती थी। तो बहुत लाइफ टफ थी, लेकिन 2 से 3 महीने लगते हैं एट मैक्स, लेकिन
लाइफ बहुत टफ थी, लेकिन ये कि 2 से 3 महीने लग के वो कॉकरोचेस बिल्कुल सफाया हो गया था। तो जो मैं इंटरनेट पे भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि जर्मन कॉकरोचेस अगर आपके घर में आ गए हैं तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, मैंने जर्मन कॉकरोचेस ख़त्म किए हैं। सो इस वजह से कोई ऐसी बिग डील नहीं होती, बस सफाई बहुत ज़्यादा रखनी होती है। छोटे बच्चों वाले घरों में आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम मेनटेन कर सकते। केक मैंने चेक कर लिया, अभी भी उसमें कसर है थोड़ी सी, तो मैं वापस आ गई हूँ, दोबारा मैंने उसको ऑन कर दिया। तो खैर ये थी स्टोरी। और हाँ, जब हम गुस्से घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो तब भी हमने जो एक कैबिनेट्स सेल कर दी थी, लेकिन हमने ये भी इंश्योर किया था कि एक एक बॉक्स जो है ना, मैंने अपने सामने पैक करके खुद और उसके ऊपर चारों तरफ टेप लगाई थी कि इसके अंदर कोई कॉकरोच ना जाए। हर चीज़ को झाड़ झाड़ के मैंने, हालांकि ऐसे बिखरे हुए नहीं थे कॉकरोच, मैं पहले तो उनको कंटेन करने में सक्सेसफुल हो गई थी किचन के अंदर ही, क्योंकि हम कहीं खाना बाहर ला के खाते ही नहीं थे। तो उसके बाद फिर सफाई रखते रखते वो कम हो गए, वो शाये होना शुरू हो गए, घबराना शुरू हो गया, और वो फिर बाहर नहीं निकलते थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर कम होते गए। और फिर उतनी देर में हमने कैबिनेट्स ही सेल कर दी जो थोड़े बहुत रह गए थे। अब अगली फैमिली पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ख़त्म किए या नहीं। तो और यहाँ पे ना सऊदी अरब में ये बहुत आम मसला है कि कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ लो ना, उसके साथ गिफ्ट तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो इसलिए फिर हम, आपने अगर नोट किया हो तो हम जिस भी घर में गए हैं, जो मुझे शुरू से देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरे सारे घर जो है ना फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पर होते थे, मेरा कोई भी घर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होता था। वो एक चूहों वाला घर ग्राउंड फ्लोर पे था, उसके बाद से हमने ग्राउंड फ्लोर पे नहीं लिया। और यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डिंग्स में वैसे ही लिफ्ट होती है, तो फिर सामान उठाने में अगर ग्रोसरीज लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो घर था, अब इसका ये है कि अब ग्राउंड फ्लोर भी हमारे पास है, फर्स्ट फ्लोर भी हमारे पास है। जब हम यहाँ पे नए नए आए हैं तो गटर में से एक दो कॉकरोचेज निकले हैं, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि ब्रांड न्यू घर था, यूज नहीं था, लेकिन ये बहुत नेचुरल है कि एक गटर अगर यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सारी सीवरेज में से ही अंदर से इस तरह की चीज़ें फिरती रहती हैं। तो वो बहुत एक आम सी बात है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप उसको अपने घर में फिरने की इजाज़त दे देंगे तो फिर वो आपके कैबिनेट्स में एक दफ़ा आ गए ना, फिर वो आपके घर से नहीं जाने वाले। तो जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो देखते होंगे कि मैंने अपने सारे जो गटर थे ना, मेरे किचन में 2 गटर थे और उन दोनों के ऊपर मैंने टेप लगा दी थी ट्रांसपेरेंट, और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने ब्राउन टेप लगा दी थी। और इधर बाहर जो हमारा ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है सिंक, इसके भी नीचे गटर है और इसके ऊपर भी मैंने टेप लगा दी थी। इवन ये जो नीचे वाला जो बाथरूम है ना, तो टॉयलेट है, तो इसमें भी जो है ना हाफ बात है कह सकते हैं, तो इसमें भी मैंने गटर के ऊपर लगा दिया था, टेप लगा दी थी। और इसको जब हमने वॉश करना होता था टॉयलेट को, तो उस वक्त हम टेप हटाते थे और उसको वॉश करते थे, और फिर नए सिरे से मैं उसको फ्लोर को ड्राई करके टेप लगा देती थी। इस वजह से कि कॉकरोचेज हमारे घर के अंदर आके ना तो बस रहना ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब किचन यूज़ होना शुरू हुआ है, हमारे गटर और ये सीवरेज वगैरह ये पाइप्स वगैरह यूज़ होने शुरू हुआ है, रनिंग वाटर जाना शुरू हुआ है इसमें, और घर का पानी तो आपको पता है क्लीन ही होता है, तो वो जब जाना शुरू हुआ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता कॉकरोचेज ख़त्म हो गए हैं। और दूसरी बात यह कि फिर भी बाथरूम में से आ जाते थे, क्यों? क्योंकि जब मैंने मेड को रखा था अपने पास, माया आती थी मेरे पास काम करने के लिए, तो तब उसने मुझे बोला कि दीदी ये हटा दो, और ना अगर आप हटा दोगी ना टेप, तो फिर यह है कि आपका ये बाथरूम जो है वो फ्रीक्वेंटली, अब मैं इसमें इसको वॉश करूंगी तो पानी जो है ना इसमें जाया करेगा, तो यहां से भी हट जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि जब तक यहां से कॉकरोचेज हटेंगे तब तक हमारे घर में ना उनका बसेरा हो चुका होगा। तो लेकिन खैर मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि वो आती थी उसने वॉश करना, और मैं उसे कहती थी कि कमोड जो है वो उसको वॉश कर दो और बाकी जो नीचे जो है वो लगा दो, मॉप लगा दो उस वो। लेकिन सोच के मुझे खुद ही अजीब लगता था कि एवरी सिंगल टाइम मॉप लगाना है तो नीचे से फ्लोर्स खराब हो जाएंगे, ऑल्दो वो बाथरूम हम नीचे वाला इतना यूज ही नहीं करते हैं, तो वो जस्ट उसको फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग उसको क्लीन करना होता है। तो खैर तो वो बहरहाल उसके मशवरा देने पे मैंने टेप्स वगैरह हटा दी। तो फिर ये होता था कि रोजाना ही एक दो कॉकरोचेज ना, आधी रात को हम तो जागे नीचे टीवी देख रहे होते थे तो कोई ना कोई कॉकरोच चलता हुआ आ रहा होता था, हम फौरन स्प्रे करके मारते थे। लेकिन ये कि अब हमें ऑलमोस्ट इस घर में साल हो गया और अब तो कोई कॉकरोच नहीं आता, कुछ नहीं आता। और ये जरूर है कि गर्मियों में एंट्स वगैरह आती हैं और वो उन्होंने अपने कोने ढूंढने होते हैं रहने के लिए, तो उसके लिए हम लोग जो है आप देखते होंगे मेरे घर के दरवाजों के किनारों पर अक्सर मैंने पाउडर डाला होता है, तो पाउडर की वजह से वो एंट्स भी घरों के अंदर आके घर नहीं बनाते। तो इस वजह से हमारा घर जो है ना बिल्कुल इंसेक्ट फ्री है, रोडेंट फ्री है हर तरह से, और मुझे वो करना आ गया सऊदी अरब में रह के। और बाकी हाँ, लिजर्ट्स का भी लोग पूछते हैं, जब मैंने बताया था दूसरे व्लॉग चैनल पे कि आपके घर में छिपकलियां आ जाती हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, आपके सामने ही है वीडियो, रैंडम बनती रहती है, छिपकलियां नहीं हमारे घर में। जब हम कॉकरोच और रैट्स तो बहुत बड़ी बात है, जब हम कॉकरोच और रैट्स बर्दाश्त नहीं करते तो फिर
छिपकलियाँ कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। वो सिर्फ ये है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा होती हैं छिपकलियाँ, दूसरे इधर उधर फिर रही होती हैं। हालांकि मैंने रियाद में कभी नहीं देखी छिपकली, मैंने दमाम में कभी नहीं देखी, लेकिन मैंने यहाँ हायल में, शायद माउंटेन एरिया है ना, तो यहाँ पे वो माउंटेन वाली पहाड़ी छिपकलियाँ होती हैं जिनको अजीब सी शक्ल होती है और अजीब सा उनका सांप जैसा ना उनका कलर होता है, तो वो जो है ना यहाँ पे होती हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और रात में मैं बाहर का दरवाज़ा नहीं खोलती, और हमने सोचा कि यहाँ पे ना जाली वाला दरवाज़ा लगवा लेंगे तो फिर हम दरवाज़ा अपना इजीली खोल सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 500-600 का खर्चा है। और जब मैं ये सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अभी पता चले कि 2 दिनों बाद कहीं और सिटी में मूव कर जाना पड़े, इस कंट्री में पता कुछ नहीं चलता, तो हम फिर इस वजह से ना वो खर्चा नहीं करें, लेकिन हम लोग दरवाज़ा वगैरह ज़्यादा शाम में गर्मियों में नहीं खोलते। तो ये स्टोरी है चूहों की, रैट्स की। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी और आपको जो केक वगैरह की वीडियो है वो सारी भी मैं दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।